सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मल्टी टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में शियर स्ट्रेन टॉपिक ले लिया था, शियर स्ट्रेन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। शियर स्ट्रेन मैंने बताया था कि शियर स्ट्रेन होता क्या है, कि जब शियर स्ट्रेस लगता है, यानी जब शियर स्ट्रेस लगता है, यानी शियर स्ट्रेस का मतलब कटिंग करने का कार्य। और शियर स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन मैंने बताया था कि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन के टाइप्स मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है फर्स्ट, और सेकंड होता है शियर स्ट्रेन, तथा थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आज मैं शियर स्ट्रेन के बारे में चर्चा करूंगा। शियर स्ट्रेन मैंने इसका डेमो पिछले वीडियो में दे दिया था। तो शियर स्ट्रेन मैंने बताया था कि शियर स्ट्रेस लगना चाहिए, यानी शियर फोर्स लगना चाहिए उसके कारण। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बॉडी, ठीक, इस बॉडी के ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर से कोई शियर स्ट्रेस लग रहा है, या मान लीजिए बॉडी है यहाँ से फिक्स है, ध्यान देना, तो इसके साइड एक क्रॉस सेक्शन पर शियर स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ से काटने का कार्य कर रहा है, तो ये बॉडी इस तरह से कटेगी, तो वहाँ शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। तथा यदि इस बॉडी में किसी भी तरह की डायमेंशन में चेंज आ जाए, यदि बॉडी इस तरह से हो जाए या इस तरह से हो जाए, किसी भी तरह के चेंजेज आ जाए, तो वहाँ स्ट्रेन जनरेट होता है। तो स्ट्रेन होता क्या है, कि मैंने बताया था कि जो स्ट्रेन होता है वो जो चेंज इन लेंथ यानी चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, जो भी स्ट्रेन मैंने बताया था कि चेंज इन डायमेंशन होता है, ठीक, अपन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन मैंने बताया था, ठीक, ये होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है कि चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, ये मैंने इसका डिफिनेशन बताया था। तो आज हम शियर स्ट्रेन के बारे में चर्चा करेंगे कि शियर स्ट्रेन आखिर होता क्या है। सो मैंने ये भी बताया था कि जो डायमेंशन होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो जो डायमेंशन होता है, ये डायमेंशन वो लेंथ का हो सकता है, ब्रेथ का, हाइट का, डेप्थ का, किसी भी तरह का हो सकता है। इसलिए यहाँ चेंज इन डायमेंशन सही है, ठीक, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ नहीं। अगर लेंथ पे, लेंथ के रिस्पेक्ट में, यदि लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तब यहाँ लिखेंगे कि चेंजिंग लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ठीक। अगर मान लीजिए चौड़ाई के रिस्पेक्ट में यानी ब्रेथ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे चेंज इन ब्रेथ अपन ओरिजिनल ब्रेथ, ठीक। ये होता है शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन में मैंने ये बताया था कि शियर स्ट्रेन, जैसे देखो कोई बॉडी है, जैसे कोई इस तरह से क्या है, इस तरह से मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए इस तरह से कोई बॉडी है, इस तरह से, ठीक, मान लीजिए इस तरह से कोई बॉडी है, ये क्यूब के आकार का, ठीक, मान लीजिए यहाँ से नीचे से फिक्स कर दिया गया, ठीक, क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया, यहाँ नामांकन कर दिया गया कि यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ठीक, और ये डट डट कर, ये, ठीक, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ मान लीजिए एच, ठीक है, ये बॉडी है। अब होता क्या है, ठीक, इस तरह से बॉडी बन गई, ये बॉडी है हमारा। इस बॉडी पे मान लीजिए कि इसके इस क्रॉस सेक्शन में यानी ऊपर वाले पे मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है, कैसा, शियर फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स, शियर मान लीजिए एफ अमाउंट का शियर फोर्स लग रहा है। तो देखो होगा क्या, बॉडी नीचे से यहाँ है फिक्स, देखो यहाँ से बॉडी क्या है, यहाँ से बॉडी क्या है, फिक्स है, देखो यहाँ से बॉडी क्या है, फिक्स है, यहाँ से किसी भी तरह का उसका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी यहाँ से बॉडी हिल भी नहीं सकता, ठीक, जहाँ से फिक्स होता है। अब ऊपर से शियर फोर्स लग रहा है, तो जाहिर से बॉडी है, जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह से है, ठीक, इस तरह से है, नीचे से फिक्स है, अगर इसके जस्ट यहाँ से कोई फोर्स लगता है तो बॉडी इस तरह से बेंड कर जाता है, ठीक है, बॉडी इस तरह से हो जाती है, यानी नीचे का स्थान तो वही रहेगा, लेकिन ये जो था, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो बॉडी इस तरह से चेंजिंग होता रहता है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से किस एंगल पे चेंज हुआ, वो एंगल हमारा बताता है कि कितने दूर पर जाकर चेंज हुआ, ठीक है, कितना दूरी बना रहा है।
तो इसी तरह बॉडी जब ऊपर यहाँ शियर फोर्स लग रहा है वो भी एफ अमाउंट का, तो होता क्या है कि ये जो डायमेंशन है ये वाला, ये जो हाइट है ये इस तरह से चेंज होगा, ठीक, ये हाइट हो ये इस तरह से चेंज होगा, इसी तरह ये हाइट चेंज होगा, इसी तरह ये हाइट और इसी तरह ये हाइट चेंज हो जाता है। तो हमारा जो होता है ये ए से लेकर डी, ये जो होता है ये इस तरह से बेंड होगा, इस तरह से बेंड होगा, कौन, ए से लेकर डी, यानी ये हाइट है ये इस तरह से है ना, इस तरह झुक जाएगा, वैसे बी सी है ये भी इस तरह से झुक जाएगा, वैसे ई एफ है ये भी झुक जाएगा, और वैसे यहाँ एच है, ठीक, यहाँ एच है जी, यहाँ एच है, यहाँ जी है, ये इस तरह से भी झुक जाएगा, ठीक। तो होता क्या है, बन जाता है कैसे हमारा बॉडी, जो डी इधर आ जाएगा, जाहिर सी बात है ये डी इस तरह से बेंड होगा तो यहाँ मान लीजिए डी आ गया, ठीक, और क्या कहते हैं इसी तरह सी भी हो जाएगा, इसी तरह यफ भी, मान लीजिए यफ आगे जाके यहाँ यफ डैश बन गया, डी इधर बेंड हुआ डी डैश बन गया, उसी तरह सी बन जाएगा, क्या कहते हैं उसी तरह जी बन जाएगा, जी आगे चल के जी डैश हो जाएगा, ठीक, और सी आगे चल के सी डैश हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ें बन जाती हैं, जहाँ सी डैश इस तरह से मिला देते हैं, ठीक, अगर इस पे सी एयर फोर्स ऊपर से लगा तो ये जो होता है कि बॉडी इस तरह से झुकने का कार्य करता है, क्योंकि नीचे फिक्स है, नीचे फिक्स है, नीचे वही रहेगा, बाकी ऊपर की जो सभी यानी जो हाइट इसकी है ऊपर जाए, थोड़ा हटकर होगा, ये हाइट ये भी हटकर होगा, ये हाइट होगा ये भी हटकर ही होगा, तो होगा क्या, हमको यहाँ जो डी है डी डैश यहाँ तक आ जाएगा, सी यहाँ तक आ जाएगा, यफ यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, ये जी है तो जी डैश नामन कर दिया, यफ है तो यफ डैश कर दिया, सी है तो सी डैश कर दिया, ये डी है तो डी डैश कर दिया। अब करते क्या है कि जिस तरह से ये मिला हुआ था उस तरह से हम इसको भी मिला देंगे, मिला कर देखेंगे कि किस एंगल पर ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये जी से यहाँ ये क्या था, जी से डी था, तो यहाँ जी डैश से डी डैश मिला देंगे, ठीक है, फिर आते हैं हम, फिर इस तरह से मिलाओ, ठीक, उसी तरह ये जो ये यहाँ चेंज हुआ है, ठीक, ये जी एच ये इसको इस तरह से मिला दो, ठीक, उसी तरह यफ को भी हमको मिलाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक गया है ये सी डे से, ठीक, ये इसको इस तरह से मिला देते हैं, फिर इसी तरह यफ को इससे भी बेंड मिला दे, इसे ये ई का, ठीक। अब अगर देखा जाए तो ये देखो ए से डी था और यहाँ ए से डी डैश हो गया है, ध्यान देना ए से डी डैश हो गया, ठीक, ए से डी था तो ए से डी डैश हो गया, यानी जो ये लेंथ थी ये यहाँ पहुँच गई, यानी यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इतने दूरी पर, ये इतने दूरी पर ना, इतने दूरी पर चेंज हुआ, तो ये एंगल बना रहा है, इस एंगल को हमने फाई रख दिया, जितना ये बनाएगा उतना ये भी बी सी बनाएगा, बी सी बन गया क्या, बी सी डैश, तो ये एंगल बनाएगा वो भी फाई बनाएगा, समझे बात को, ये ए डी यहाँ से ए डे डी डैश हो गया, बी सी यहाँ से हो गया बी सी डैश, तो इस फाई एंगल बनाया उतना ये भी बनाया है। अब हम शियर स्ट्रेन देखेंगे कि भैया शियर स्ट्रेन होता क्या है, तो मैं बताया हूँ कि शियर स्ट्रेन जो होता है, शियर स्ट्रेन जो होता है, एक मिनट, तो हमारा शियर स्ट्रेन हो जाएगा, शियर स्ट्रेन को हम ई डैश से भी ई एस से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ई से मैंने बताया था शियर स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, एस से शियर, ये इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि मैंने बताया था कि चेंज इन लेंथ यानी लेंथ में कितना चेंज है, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, देखो ओरिजिनल ओरिजिनलिटी में तो हमारा ए से ए डी डैश था, अब बाद में हो गया कितना, ध्यान देना, हमारा जो होता है ए से ए डैश था, ध्यान देना, ए से ए डैश था और बाद में हो गया ए से ए सॉरी स्टार्टिंग में था ए से डी और बाद में हो गया ए से डी डैश। अब होता क्या कि चेंजेस कितना हुआ, तो चेंजेस देखो यहाँ से यहाँ तक चला गया, इतना चेंजिंग हुआ, अर्थात हम निकाल सकते हैं कि जो हो गया यानी ए डी डैश माइनस कर देते हैं किसको, जो ओरिजिनल था माइनस ए डी, ठीक,
अपान ओरिजिनल क्या था, ए डी था, समझे बात को। यानी इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये इतना छोटा एंगल बनता है कि ये दोनों एकदम पास होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इतना छोटा, जितने छोटा रहेगा उतने ये पास रहेंगे, ठीक है। जितने छोटा बनेगा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इतने छोटा रहेगा उतने ये डी और डी डैश पास होंगे। तो ये इतना ही छोटा होता है कि ये दोनों पास ही रहते हैं, इसलिए इसका इसका डिफरेंस जो होता है, हम डी डी डैश को ले लेते हैं ए डी, 180 ES, ये सी रजिस्टर हो गया, समझे बात। उसी तरह ध्यान देना, उसी तरह इसमें भी होता है कि बी सी जो होता है, ये देखो ये बी सी जो है, यहाँ बी सी डैश हो गया, यानी ये एंगल जो बन गया इन दोनों के बीच में इतना कम होता है कि ये चीज़ें एकदम पास होती हैं, ठीक। ये चीज़ें एकदम पास होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ES बराबर, ठीक, इसमें इसके रिस्पेक्ट में देखें तो देखो बाद में हो गया बी से सी डैश, यानी बी सी डैश माइनस ओरिजिनल क्या था, बी सी था, अपान बी सी, ठीक है, अपान बी सी। अब ये हो जाएगा कितना, ध्यान देना, ये हो जाता है कितना, ये चीज़ें, ठीक, डिफरेंस हमारा इन इन दोनों के डिफरेंस इतना छोटा होता है कि हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सी डैश क्या हो जाता है, सी से सी डैश, ठीक, अपान बी सी, ठीक। यानी एंगल जो होता है वेरी स्मॉल एंगल के लिए होता है, ठीक है। यहाँ क्योंकि लिख सकते हैं कि चूंकि फाई इज वेरी स्मॉल एंगल, वेरी वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल, ठीक है, इसलिए हो जाता है। और अगर चाहे तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको देखो, इसको रंग दो, ठीक है, ऐसे ही समझो कि हमारा ए से डी था, हो गया ए से डी डैश, यहाँ था पहले चीज़ें यहाँ खड़ी थी, बाद में हो गया यहाँ, अब देखें तो यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी चेंजेस कितना हुआ, डी से डी डैश तक, तो डी से डी डैश अपान ए डी। उसी प्रकार ये चीज़ें, पहले बी से सी थी, हो गया बी से सी डैश, क्योंकि इस पर सी रजिस्टर्स लगा, चीज़ें नीचे फिक्स है, नीचे वाला तो वही रहेगा, ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक चला गया, सी से सी डैश अपान ये ओरिजिनल जो था, ओरिजिनलिटी क्या था, उतना हो गया, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए, ठीक, अगर इसको देखा जाए कि एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ध्यान से देखना, एक त्रिभुज बन रहा है ये चीज़ें, या यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, इन तीनों त्रिभुज को दोनों का एंगल सेम है, इसका भी फाई तो इसका भी फाई, तो हम लिख सकते हैं कि टेन फाई बराबर लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, टेन फाई बराबर लंब बटा आधार, यानी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि टेन फाई, हम फाई एंगल है, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है डी से डी डैश, आधार कितना है ए डी या डी ए, ठीक। तो इसको हम इसको भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं कितना, टेन फाई, यानी इसको लिख सकते हैं कि टेन फाई बराबर ई एस, क्यों, क्योंकि टेन फाई बराबर होता है, अगर टेन फाई बराबर ट्रिग्नोमेट्री से देखे तो टेन फाई बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब डी से डी डैश, आधार ये टेन फाई है, इसलिए इसके बराबर भी टेन फाई हो जाता है, और ये एंगल बराबर है, इसलिए इसके भी बराबर हो जाएगा टेन फाई, ठीक, समझे कि नहीं, ये हो गया टेन फाइव, ES इजकल टू टेन फाइव। हाँ, अगर और देखें, ये थीटा इज वेरी स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम लिख सकते हैं कि फाइव इजकल टू ES, ठीक, फाइव इजकल टू ES, ES क्या है, शियर स्ट्रेन, फाइव क्या है, कितना एंगल पे हो रहा है, यानी शियर स्ट्रेस हमारा किस पे डिपेंड हुआ, एंगल पे, यानी कितने एंगल पे जा करके, यानी कितने दूर जा करके हमारे बॉडी जो होता है रेस्ट ले रहा है, ठीक, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं, इसमें कुछ नोट पॉइंट है कि यानी थीटा या फाई, ये एंगल जितना ही छोटा होगा, यानी बहुत छोटे, नोट पॉइंट करके अगर हम लिखेंगे तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए, यानी एंगल फाई इज वेरी स्मॉल, मैंने अभी जो बताया वेरी स्मॉल, तो हम लिख सकते हैं कि टेन फाइव है, फाइव इजकल टू ई एस, ठीक, बहुत छोटे कोड़ों के लिए। दूसरा पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे हम डी से, ध्यान देना, जैसे जैसे हम डी से ए की तरफ आते हैं,
जैसे डी से हम ए की तरफ आते हैं, जैसे जैसे सी से हम बी की तरफ आते हैं, तो हमारा जो फाई का मान है वो छोटा होता जाता है। क्या कहते हैं, अर्थात हमारी जो कर्तन विकृति है, यानी ध्यान देना सॉरी, जैसे जैसे ध्यान देना, जैसे देखो अभी हमारी जो आई थी यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस हो रहा था, ठीक। अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, तो हम मान लीजिए इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये बड़ा है कि ये, जाहिर सी बात है कि ये बड़ा है, यानी जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो ये मिलेगा, और नीचे आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस हुआ, और नीचे आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक, और एकदम लास्ट में अपने ही पोजीशन पे आ जाता है क्योंकि यहाँ फिक्स है। यानी जैसे जैसे नीचे हम आते हैं वैसे हमको मिलता क्या है कि हमारा, वैसे वैसे हमारा चीज़ें क्या होते हैं, स्ट्रेन जो होता है कम होता जाता है। जैसे जैसे डी से ए की तरफ आते हैं या जैसे जैसे सी से बी की तरफ आते हैं, वैसे वैसे हमारा स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन या विकृति का मान, शियर स्ट्रेन का मान घटता जाता है। क्योंकि अभी हमने बताया कि ई एस निकला कितना था, ई एस बराबर ए डी सॉरी डी डी डैश डी डी डैश अपान ए डी, समझे। अब जैसे ये ऊपर मान है, ऊपर वाला यदि छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा तो ये भी होता है, गणित के नियम से, ठीक। ये गणित के नियम है कि यदि ऊपर वाला बड़ा है तो ये भी बड़ा, ऊपर वाला छोटा है तो ये भी छोटा, यानी जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे हमारा ये मान कम होता है, क्योंकि पहले इतना है फिर इतना हो जाएगा, यानी देखो पहले इतना है फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना फिर इतना फिर इतना, तो धीरे धीरे पास हो, यानी जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा ये डी डैश का मान घटता जाता है, यानी शियर स्ट्रेन का मान घटता जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि हम शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने स्ट्रेस बताया था ना, वहाँ शियर स्ट्रेस, जहाँ शियर स्ट्रेस क्या शियर फोर्सेस लगता है वहाँ शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, तो हम शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे। शियर स्ट्रेस हमारा निकल जाएगा, मान लीजिए टाउ है या क्यू है, ठीक, हम क्या निकाल लेंगे, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस यानी शियर स्ट्रेस हम निकाल देंगे। शियर स्ट्रेस कैसे निकलता है भाई, मैंने बताया था स्ट्रेस होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, यानी बल जो तीव्रता से फोर्सेस होता है वो किसी क्षेत्रफल पर, जो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, यानी मैंने बताया था कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस यहाँ क्या निकलेगा, शियर स्ट्रेस है, यानी शियर फोर्स होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स होना चाहिए, तो यहाँ शियर फोर्स होना चाहिए, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस निकालने के लिए शियर फोर्स। अब मैंने बताया था कि एरिया, वो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी एरिया कैसा है जिसपे हम फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, एरिया विच इज फोर्सेस विच आन फोर्स इज कंसीडर, जिसपे फोर्स को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो देखो यहाँ क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, क्यू मान लेते हैं शियर स्ट्रेस को, तो शियर फोर्स हमने यहाँ क्या लगाया था, या एरिया क्या लगाया था, किस एरिया पे कार्य कर रहा है हमारा फोर्स, इस एरिया पे, यानी ए, ठीक, यानी एरिया ऑफ क्या कहते हैं डी सी एफ जी, यानी इसका एरिया, यानी इस प्लेन का एरिया, ठीक समझ, ठीक, यानी फोर्स, शियर फोर्स इस पे कार्य कर रहा है तो इसका एरिया लगेगा, ठीक, दिख रहा है ना। हाँ चलो नेक्स्ट मेरा है, मतलब नेक्स्ट तीसरा था, पहला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, दूसरा शियर स्ट्रेंथ, और थर्ड क्या है, थर्ड मेरा है बालूमेट्रिक स्ट्रेंथ, बालूमेट्रिक स्ट्रेंथ थर्ड क्या है मेरा, थर्ड क्या है नंबर, बालूमेट्रिक स्ट्रेंथ यानी आयतनात्मक विकृति, वालू मेट्रिक स्ट्रेन यानी आयतनात्मक विकृति, ठीक, चीजें ध्यान से समझना, आयतनात्मक विकृति या बालोमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है। जैसे जैसे मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन होता है, और लास्ट में बताया बॉलोमेट्रिक स्ट्रेन। अब होता क्या है कि मैंने वह स्ट्रेन को बताया कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, वैसे यहाँ भी होगा कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक, क्या होगा कि चेंज इन
चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक। अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में होता तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि ये सब डायमेंशन है, वॉल्यूम भी डायमेंशन ही होता है, थ्री डी का लेंथ विड्थ हाइट तीनों इसमें रहता है, तब वॉल्यूम होता है। यानी इसे ई वी लिख सकते हैं, ठीक, ई वी। इसे क्या लिख सकते हैं, ई वी दिख रहा है जी, हाँ ई वी, यानी ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसे स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। जैसे मान लीजिए हमारा थ्री डी का कोई फिगर इस तरह से है, ठीक, ये हुआ, इस रिस्पेक्ट में मान लीजिए बना हुआ है घन के आकार का, ठीक, और इसे हम इस तरह से भी डॉट डॉट करके अब मान लीजिए इस पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है, इस पर कोई फोर्स कार्य करेगा, इस पर भी, इस पर भी, यानी सभी प्लेनों पे क्या कर रहा है, हमारा फोर्सेस एक्ट कर रहा है। मान लीजिए इस प्लेन पे, ये वाला प्लेन, ये इस प्लेन पर, यानी यहाँ ये जो प्लेन है इस प्लेन पे, यानी इस प्लेन पर कोई फोर्स मान लीजिए कार्य कर रहा है, ठीक, किस अमाउंट का, मान लीजिए वो क्यू अमाउंट का हो। उसी तरह इस नीचे वाले, इसके सामने वाले, इसके इसके अपोजिट पर जो इधर है वो इधर कार्य कर क्यू अमाउंट का, सेम अमाउंट का। उसी तरह मान लीजिए ये प्लेन है, ये इस प्लेन पे मान लीजिए पी अमाउंट का कार्य कर रहा है, तो इसका अपोजिट इधर होगा नीचे साइड, ये पी पीछे साइड। अगर मान लीजिए ऊपर किस अमाउंट का कार्य कर रहा है, आर अमाउंट का, तो इसके नीचे साइड भी, नीचे इसका फेस नीचे है, नीचे भी आर अमाउंट का कार्य कर रहा है ना। अब देखो होता क्या है इसमें, जब इस तरह से फोर्सेस एक्ट करेंगे, यानी ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा इधर, तो जाहिर से बात है ये कौन से फोर्सेस है, टेंसाइल फोर्सेस। यानी ये किसका कार्य कर रहा, पुलिंग का कार्य कर रहा है, यानी खींचने का कार्य कर रहा है, खींचने का कार्य कर रहा है। अब जाहिर से बात है इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि ये इधर अपने आप इधर खींचेगा, ये इसको खींचेगा इधर, यानी ये एक्स डायरेक्शन में ये क्यू फोर्सेस खींच रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या आर फोर्सेस, और जेड डायरेक्शन में, यानी थ्री डी फिगर जेड डायरेक्शन में पी फोर्सेस खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है इसी वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम में चेंज होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। अगर मान लो दो तीनों दबाने का कार्य करते हैं तो भी वॉल्यूम में चेंज होता, तो वही है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका डिफिनीशन है। और इसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि मान लीजिए चेंज वॉल्यूम कितना हुआ, डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वी है। मान लीजिए इसका ओरिजिनल वॉल्यूम वी है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और अगर चेंज कितना हुआ, डेल वी, वो उतना हुआ जितना चेंज हुआ, और दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर चीजें, कोई भी चीजें समझ में ना आए तो इसको कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक। अब आगे चलते हैं, टॉपिक थोड़ा बढ़ाते चले। नेक्स्ट है मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों की यांत्रिक गुण, समझे, पदार्थों की यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी जो भी हमारे मटेरियल्स है उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है वो पढ़ेंगे। अभी हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ा था, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि इलास्टिक, प्लास्टिक एंड रिजिड। इलास्टिक मैंने बताया था कि जिसको अगर फोर्सेस लगा दिया जाए तो उसके डायमेंशन में चेंज तो हो जाएगा, डायमेंशन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन फोर्स को छोड़ दिया जाए, यानी फोर्स को रिलीज कर दिया जाए, यानी फोर्स को हटा दिया जाए, तो वो पुनः अपने स्थान पे आ जाएगा, जहाँ से उसके, यानी उसके डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। और मैंने बताया था कि प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, यदि उस पर फोर्सेस या पुलिंग किया जाए या कंप्रेसिस किया जाए, यानी उसके डायमेंशन में तो चेंज हो जाएगा, बट वो होगा क्या कि डायमेंशन अगर फोर्सेस को रिलीज कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए तो डायमेंशन में चेंज ही हो जाएगा, यानी फिर अपने पुनः स्थान पर नहीं जाएगा, यानी अपना पुनः ओरिजिनल शेप नहीं प्राप्त कर पाएगा। और रिजिड बताया था कि मैंने किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं होगा, तो ये मैकेनिक, ये वो टाइप्स ऑफ बॉडी थे, वो बॉडी के प्रकार थे, यानी बॉडी इस तरह से उपलब्ध होते हैं,
यानी मटेरियल इस तरह से उपलब्ध होते हैं, पदार्थ इस तरह से उपलब्ध होते हैं, लेकिन यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज, अंदर की प्रॉपर्टीज यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो इसकी मैकेनिकली प्रॉपर्टीज क्या होता है वो होता है। तो मैकेनिकली प्रॉपर्टीज में कुछ बॉडीज होते हैं, देखिए मैकेनिकली प्रॉपर्टीज हो सकता है क्या क्या, तो सबसे पहले जानो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो क्या क्या सकता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकता है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ये हो सकता है कि ये कितनी आसानी से तन सकता है, ठीक, जिसे तन्यता कह सकते हैं, डक्टिलिटी कह सकते हैं, ये कितने कितने आसानी से तन सकता है या कितने दुर्लभ से तन सकता है, ठीक है, या कितना हम फोर्स लगाएंगे तब तनेगा, ये प्रॉपर्टीज हुआ। ये हो सकता है कि हमारी जो मटेरियल हो वो किस तरह से टूट रहा हो, वो प्रॉपर्टीज हुआ, या हो सकता है कि हमारे मटेरियल को हम किस तरह से चपटा कर सकते हैं यानी चद्दर की तरह रूप में फैला सकते हैं, वो भी हमारी प्रॉपर्टीज हो गया। और कह सकते हैं कि हमारे जो होते हैं इसको हम किस तरह से तान करके तार के शेप में बना सकते हैं, वो भी हमारी प्रॉपर्टीज हुआ। तो एक एक करके हम सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो हमारे सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है स्ट्रेंथ, क्या अच्छा होना चाहिए स्ट्रेंथ, ठीक, हमारी पहली प्रॉपर्टीज क्या है स्ट्रेंथ यानी सामर्थ, ठीक, सामर्थ। तो देखो सामर्थ होना क्या चाहिए, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है सामर्थ, सामर्थ का मतलब ये हुआ कि कोई भी मटेरियल हो उसमें इतनी शक्ति हो यानी इतनी सामर्थ हो वो बिना फेल हुए यानी बिना ब्रेक हुए या बिना फेल हुए यानी बिना टूटे वो अपने कार्य को एक्ट कर जाए। कहने का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ के यानी किसी भी मटेरियल में वह इतनी सामर्थ होनी चाहिए कि वह बिना फेल हुए अपने ऊपर आने वाले स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर जाए यानी सहन कर सके, यानी बिना फेल हुए पदार्थ स्ट्रेस सहने के गुण को, यानी बिना फेल हुए यानी कोई सामर्थ इतनी होनी चाहिए कि बिना फेल हुए वो पदार्थ में स्ट्रेस जो जनरेट है उसको सहने का गुण जो होता है स्ट्रेंथ कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि बिना फेल हुए किसी पदार्थ के स्ट्रेस सहने के गुण को उसकी सामर्थ्य कहते हैं, यानी किसी पदार्थ के बिना फेल हुए यानी कोई भी पदार्थ हो यानी बिना फेल हुआ वह पदार्थ में जो स्ट्रेस जनरेट हो उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति या एब्जॉर्ब करने को उसका जो गुण होता है उसे स्ट्रेंथ कहते हैं। सेकेंड आता है हमारा, पहला क्या है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी बिना फेल हुए उसमें जो एब्जॉर्ब हो रहा है क्या है स्ट्रेस उसको सहने का गुण क्या कहलाता है स्ट्रेंथ कहलाता है, यानी बिना फेल हुए पदार्थ का स्ट्रेस सहने का गुण, बिना फेल हुए पदार्थ का स्ट्रेस सहने का गुण स्ट्रेंथ कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है इलास्टिसिटी, अभी मैंने बताया था इलास्टिसिटी, वहाँ इलास्टिक मटेरियल था यानी इलास्टिक टाइप्स ऑफ बॉडी में इलास्टिक था, प्लास्टिक था या रिजिड था, यहाँ इलास्टिसिटी है। अर्थात यह जो होता है इलास्टिसिटी है यह उसका क्या है एक गुण है प्रॉपर्टीज है, वहाँ इलास्टिक मटेरियल था यहाँ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यस्थता है, ठीक है। यह हो सकता है इलास्टिसिटी, यह इलास्टिसिटी यह है कि पदार्थ का वह गुण, देखो ध्यान देना इलास्टिसिटी होता क्या है कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, किसी भी बॉडी को तान कर यानी कोई भी बॉडी मान लीजिए ये है, इसको पुलिंग करके या दबा करके छोड़ दिया जाए तो पुनः अपने शेप में आ जाए, तो वो ऐसे गुण को ऐसे प्रॉपर्टीज को इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि यह पदार्थ का वह गुण है, देखिए यह पदार्थ का वह गुण है, ठीक है, यह जो है ये इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टीज है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ क्या प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड यानी कोई भी बॉडी हो या जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में यानी अपने शेप और साइज में यानी परिवर्तन होने का विरोध करते हैं। इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई भी बॉडी होता है ये कोई भी बॉडी मान लीजिए ये है अपने शेप और साइज में डिफॉर्म होने यानी परिवर्तन होने का विरोध करता है, लेकिन यदि परिवर्तन हो जाता है तो यानी पहले तो विरोध करेगा, विरोध करने का मतलब परिवर्तन होने को यानी इतनी आसानी से नहीं होगा, यानी परिवर्तन होता है फिर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर अपने पुनः स्थान पे आ जाए, वो ऐसे गुण को क्या कहलाता है इलास्टिसिटी कहलाता है, पदार्थ का ऐसा गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका डिफिनेशन यह है कि यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन
का विरोध करता है, यानी डिफॉर्मेशन का क्या करता है, विरोध करता है। ये प्लास्टिसिटी यानी एक गुण है, यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक पदार्थ अपनी डिफॉर्मेशन या आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। बट यानी अब होता क्या है, विरोध तो करता है ठीक है, लेकिन जैसे ही परिवर्तन होता है और परिवर्तन के बाद इसके बल को छोड़ दिया जाता है तो पुनः अपने आकार में यानी पुनः अपने पुराने शेप में आ जाता है। तो ये पदार्थ का ऐसा गुण क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक मटेरियल था तो यहाँ प्लास्टिसिटी एक गुण है, प्लास्टिसिटी इस तरह इसको भी कह सकते हैं कि पदार्थ का कोई भी बॉडी हो, कोई भी पदार्थ हो, उसमें यदि कोई फोर्स लगाया जाए तो स्टार्टिंग में तो ये विरोध करता ही है ठीक है। ये कोई भी बॉडी, किसी भी तरह की कोई बॉडी हो, प्लास्टिसिटी हो एक प्रॉपर्टीज होता है, यदि कोई बॉडी हो उसके शेप या साइज या किसी उसके आकार में तो परिवर्तन हो जाता है ठीक है, यानी बिना टूटे उसके आकार में इतना परिवर्तन किया जा सके, यह पदार्थ का एक गुण होता है। वो किस गुण के अंतर्गत आता है, प्लास्टिसिटी ठीक है। प्लास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है, ध्यान सुनो, प्लास्टिसिटी यानी इस गुण के कारण पदार्थ पर बल लगाने से, यह पदार्थ का वह कैसा गुण है प्लास्टिसिटी कि जिसके कारण इस पर कोई बल लगाने पर इसके आकार में बिना फेल हुए परिवर्तन हो जाता है तथा बल को रिलीज करने के बाद यानी बल को छोड़ देने के बाद पुनः यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता। पदार्थ के ऐसा गुण क्या कहलाएगा, प्लास्टिसिटी कहलाता है। पदार्थ का ऐसा गुण क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है। सो आगे चल के अभी हमारे 6-7 और हैं ठीक है, 6-7 प्रॉपर्टीज और हैं और कहते हैं तो सो वीडियो लंबा ना होने के कारण हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, अगले टॉपिक में कराएंगे यानी अगले लेक्चर में कराएंगे। सो और आप लोग हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो ठीक है, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाए ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।